फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, उसके पास बेल आइकन है वो भी दबा लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोग उसको फर्स्ट नंबर पर देख पाओ। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ वो यूज़ की है और आप लोगों को उसका क्या फ़ायदा मिला। सो थैंक यू। और वीडियो शुरू करती हूँ। तो मैं लेके आई हूँ गुड वाइब्स का टी ट्री सीट मार्क्स। ये मैंने purple.com से परचेज किया था और इसका प्राइस है 99 रुपये में मुझे पड़ा। कभी कभी ऑफ़र चलता है तो कम में भी मिल जाते हैं, पर मैंने जब परचेज़ किया था तो कोई ऑफ़र नहीं चल रहा था तो 99 रुपये में पड़ा। इसका नेट वेट होता है वो है 20 ml। और इसमें सब लिखा है कैसे यूज़ किया जाता है, क्या फ़ायदे हैं, तो वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या। और उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं फर्स्ट बार यूज़ करने जा रही हूँ, वो भी लाइव आप लोगों के सामने। तो मैं बताऊँगी कि इसका क्या फ़ायदा मुझे लगा फेस पे और सबको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक कभी भी यूज़ नहीं किया, पर मैंने इसके बारे में बहुत सुना, ऐड देखे और यूट्यूब पे वीडियो देखे, तो बहुत अच्छा बताते सब लोग कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूँ लेके, अगर अच्छा होगा तो आगे भी ट्राई करूँगी। और ये एक ही बार लगा सकते हैं, इसमें ये भी है एक ही बार लगा सकते हैं, उसके बाद इसको ऐसा नहीं कि दोबारा भी लगा सकते, ऐसा नहीं है, इसको हटा दिया जाता और बस बेकार हो जाता। सो इसके फ़ायदे मैं बताती हूँ। ये T3 है इसमें, तो ऑयली त्वचा को क्लीन करता है और ब्लैकनेस हटाता है, वाइटनेस हटाता है और एंटी फंगल को हटाता है, पिंपल रिमूव करता है, स्किन फेस पे ग्लो लाता है और एंटी फ्री करता है। तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे लिखे हैं और मुझे तो सबसे बढ़िया यही लगता है ना, पिंपल को क्लीन करता है, तो पिंपल बड़ी जल्दी से निकल आते सबको, तो इसमें ये सब लिखे हैं। और इसको यूज करना है तो इसमें लिखा है यहाँ से निकालने के बाद फेस पे लगा के और 15 से 20 मिनट तक उस पर मसाज करते रहना है और इसको लगाना है आधे घंटे तक, इसको लगा के छोड़ देना है, उसके बाद उसको हटाना है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं, निकालते हैं इसको कैसा निकलता है। अभी मैंने मुझे पता नहीं है ना इसलिए, तो इसको आराम से ये बनाए ना, इसको आराम से निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो कट भी सकता अंदर से, ज़्यादा से वो कर दो कैंची से। ये देखो खुला, ये देखो जैसा है। और इसमें ये T3 है ना, जो T3 ऑयल मैं तो यूज़ करती हूँ, T3 ऑयल आप लोगों ने भी किया होगा तो पता होगी, उसी की स्मेल है। ओ ये तो बहुत ज़्यादा गीला है इसमें, और इसमें भी भरा है, तो इसको ऐसे रख लेती हूँ और इसको आराम से खोलती हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा इसमें वो होता है ना, बहुत ज़्यादा है, एकदम भरा पड़ा है रस जैसा, इसको आराम से खोलना पड़ेगा। एकदम से गीला रखा है पूरा भर, ये देखो ऐसा निकला, ये देखो फेस पूरा बना हुआ। अब इसको लगाने से पहले फेस को क्लीन कर लेना चाहिए, फेस पर कोई मेकअप वेकअप नहीं होना चाहिए कुछ भी, तो मैंने पहले से क्लीन करके ही बैठी हूँ, कोई मेकअप नहीं, बस लिपस्टिक लगा रखी थोड़ी सी। तो इसको लगाते हैं फेस पे, इसमें वो T3 की मैच है, इसमें उतनी नहीं है पर है, जो T3 की होती ना तो उतनी ज़्यादा नहीं है इसमें, पर वैसे ही लग रहा। सही से इसको सेट करना चाहिए फेस पे, अपने फेस के हिसाब से। ये देखो इसमें लाइन लाइन सी हो गई ना, थोड़ा सा मुड़ गया, इसको भी सीधा कर ले रहे।
इसको पूरा सही से ऐसे देखो, ये देखो, ये अभी इसमें आराम से मसाज जैसी करनी है, उसमें 15 मिनट लिखा है तो यहाँ से मुड़ गया ये थोड़ा सा, ऐसे ही है। पूरे फेस पे मसाज कर लेनी है सही से। अभी तो इसमें भी बहुत सारा ऑयल है अंदर, इतना ज़्यादा है। उसको मैं ऑयल बोल रही हूँ तो ऑयल है क्या है मुझे नहीं पता, पर बहुत ज़्यादा गीला है ये पता है। तो उसको मैं, ये यहाँ से क्यों निकल रहा थोड़ा सा, लगता तो मैंने सही से नहीं लगाया। और सही है देखो, ये देखो 15 मिनट हो गए मुझे मसाज करते करते, ऐसे हल्के हल्के हाथों से कर लिया। अभी इसको निकालने के बाद फिर थोड़ा सा सही से कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा निकल जैसा रहा है, लगता मेरे फेस पे थोड़ा सा छोटा सा हो रहा, इसलिए थोड़ा निकल सा रहा ना, तो मैंने आराम से ऐसे ऐसे कर लिया और ऐसे माथे पे सारे फेस पे कर ली। अभी इसको हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं। ओ, इतना ज़्यादा इसमें भरा पड़ा है, इसको यहाँ रखते हैं। और ये देखो फेस पे कितना हो गया, अभी मसाज कर ले रहे इसमें, उसको भी कर ले रहे क्यों पेस्ट करना, इसमें से निकाल निकाल के गर्दन पे भी कर ले रहे। इसको हाथों पे भी लगा सकते क्या है, अभी मुझे अभी तो इतना ज़्यादा ये है ना, लाइट लाइट जैसी नहीं होती, हल्की महक पीजिए की उसी की जैसा लग रहा बिल्कुल। थोड़ा सा ऐसे क्लीन क्लीन जैसा लग रहा, और ब्लैक रेड व्हाइट रेड तो मेरे है नहीं है तो मुझे उसके बारे में पता नहीं है, पर एक बार में कितना ये फायदा करता। वैसे तो एक बार में ही फायदा करना चाहिए, क्योंकि इसको एक ही बार लगा सकते हैं, इसको साफ करते हैं फेसों से। ये देखो ऐसे निकला फेस, थोड़ा क्लीन जैसा हो गया, और ज्यादा तो मुझे ऐसा कुछ। अब थोड़ी देर में इसका असर आए तो भली, अभी तो इतना ज्यादा वो नहीं है, पर थोड़ा सा ऐसा तो मेरा, मैं कोई चीज जो घरेलू यूज करती हूँ ना उससे ज्यादा ही निकल आता है, इससे तो इतना ज्यादा नहीं निकला। पर देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद तो कैसा निकलता है तो मैं आपको बताऊंगी, दिखाती हूँ। थोड़ा सा क्लीन क्लीन सा, तो इतनी देर के बाद थोड़ा सा और लगना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, किसी ने यूज किया हो तो। मुझे तो ठीक ठीक लगा, क्लीन करना है फेस तो ठीक है, और थोड़ा सा ग्लो कर देता है, और तो मुझे ज़्यादा कुछ इसका नहीं समझ में आया। सो थैंक यू, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, बाय। शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि इसका क्या फ़ायदा है और कैसे यूज़ किया जाता है। सो थैंक यू।